यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, बहुत ध्यान रखो। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम कनकचौरी से निकले और भीगते हुए पहुंचे सारी विले। इसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। ये डिस्टेंस जस्ट 65 किलोमीटर का था और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें लग गए 6 घंटे। ये भरत भाई है, वीडियो ये इन्हीं का गोप्रो है। अच्छा, पूरा व्लॉग इन्हीं से इसी कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं इस बार। बताना जरूरी है भाई, वरना लोगों को लगेगा कि अगला व्लॉग भी इसी क्लैरिटी के साथ आ रहा है। माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे मत करो यार अभी यार। और आज का प्लान है कि सारी विलेज से हम जाने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर, जिसमें यहाँ से पहले हमें चोपता जाना होगा और वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए तुंगनाथ और चंद्रशिला। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मी नीरज एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए हम पूरे पैक हो चुके हैं। इस समय पाँव में चोट लगी हुई है तो चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ का मौसम और यहाँ का माहौल सेट है। साथ के बंदे आगे जा चुके हैं तो आज तो हमें तुंगनाथ पहुँचना ही पहुँचना है। और बर्फबारी हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ अगर दिख रहा है यहाँ से तो। वेट, नहीं, धुंध है पूरी। चलो चलते हैं अभी आगे। कहने को तो ये एक दिन की कहानी, मगर इस एक दिन का ना जाने कितने सालों से इंतजार कर रहा था। बारिश हो रही है बाहर, हम होटल के अंदर आ गए। यहाँ पे टी ब्रेक है, सबकी हालत हाथ पकड़ गए हैं, कपड़े रोड जाम हो गया है और हमें 4 किलोमीटर बाद जाना है पैदल पैदल पैदल। बहुत ठंडा है पर मजे के बहुत आ रहे हैं, एक्साइटेड है। जो ओनर है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते, मीन्स बाइक। तो हमें गाड़ी, देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो अभी आगे बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस चाय पीते हैं फिर चलते हैं आगे। I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, shit check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! हम पहुंच चुके हैं चोपता इस समय। ये है एंट्री गेट, यहाँ पे फुल टू क्राउड हो रखा है बहुत इस समय। और स्नोफॉल देखिए। अब यहाँ से जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो कुछ नया, कुछ अलग है मेरे लिए। हेलमेट निकलने वाला नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है। और साथ के बस रेडी होते हैं, फिर हमें ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं, होटल है, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे, लेकिन हम तो अपना पेट्रोल मैक्स लेके आए हैं भाई, यहाँ पे पैसे कम है। चलो, कहने को तो मैं बचपन से ही पहाड़ों में रहा हूँ, मगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ स्नोफॉल नहीं होती है। और दूर कहीं जब पहाड़ों में मैं स्नो को देखता था तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि जब यह स्नोफॉल होती होगी तो बारिश की तरह हमको भिगा देती होगी। और ऐसे अजीबोगरीब बहुत से सवाल थे मेरे मन में, और आज जाके उन सवालों का जवाब देख रहा हूं मैं। और हाँ, वैसे बता दूं, स्नोफॉल इतनी खामोशी से होती है कि जैसे आसमान से कॉटन बॉल्स गिर रहे हो। और कुछ समय के बाद आपके चारों तरफ एक सफेद चादर सी बिछ जाती है। मैं तो इसको काफी इंजॉय कर रहा हूँ, और करूँ भी क्यों ना, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल जो है। अच्छा मोमेंट है, एंजॉय कीजिए। हमारे लिए आपने कैसे ओके, थैंक यू।
ऐसा है कि जो नीचे पुलिस लगी हुई है और वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। हम लोग आ गए, भाई लोग भी आ गए, तो देखते हैं कितने ऊपर तक पहुंचते हैं। या भैया कंटेंट नहीं दिया आपने भैया। अच्छा ये अगर चलेगा भी तो कंटेंट मिल जाएगा। ऐसा है क्या? कहाँ पे अच्छा ऐसे आएगा फिसल के? ओ मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा, सॉरी भाई। एक बार चलते ऊपर तक आते घूम के आ जाओ भैया, आपको मैं जिंदगी में नहीं आऊंगा ऊपर। ठंडी में माचिस ख़त्म हुई थी, लास्ट तिल्ली थी और वो भी वेस्ट हुई थी, और जिस वजह से हम पूरा एक दिन भूखा रहे थे। वो सीन यहाँ पे नहीं होगा, माचिस है हमारे फ्रेंड के पास। मुझे लगा माचिस नहीं है तो मैंने पूछा था इनसे, और लकीली वहाँ पे एक फ्रेंड थी हमारी जिनके पास माचिस थी। सो हम खाना बनाएंगे जितना ऊपर हो सके या जितना पास हो सके तुंगनाथ के वहाँ पे। अरे मत करो यार अभी यार, मैंने नहीं किया भाई, खुद ही हुआ। भूख लगने लगी थी तो अब खाना बनाने की तैयारी है। हवा से हो रहा है भाई। बर्फ काफी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे। हमारे साथ के कुछ बंदे घायल हो चुके हैं इस समय। ये नहीं, चलो बैग खोलो यार, फटाफट। ये नहीं, ये भाई। हाँ यहाँ पे देखो पेट्रोमैक्स हम लेके आए हैं। अपना किचन हमने अपने साथ कैरी किया है, यहीं पे खाना बनाएंगे। तो 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, वो मौसम आप देखिए। पहले जलाओ तो सर, माचिस तो माचिस हटो, माचिस नहीं भीगा होना चाहिए, बाकी मैं हो जाऊंगी तो चलेगा। खाना बनाने के लिए पहले हमको चाहिए पानी, उसको रखो फटाफट, और जो हमको मिलेगा बर्फ पिघला के। थाली में बर्फ लेके आओ। हां मैं लेकर आऊं। हेलो गाइस ओह यार इट्स ऑसम। अब यहाँ से चुनौतियाँ बढ़ने वाली है। नीशू की तबीयत खराब हो रही है, पेट्रोमैक्स हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। बुझ रहा क्यों? अरे हवा लग रही है, इधर दर्द रहा हूँ। यहाँ पे इतना ठंडा है कि ये बर्फ तक को नहीं पिघला पा रहा है। बर्फ पिघलेगी और हम पानी पियेंगे। अभी तो फिलहाल पानी बना रहे हैं यहाँ पे। ओह नाक में अब अंदर ठंडी हवा घुसने लगी। पानी और डालना उसमें, एक और पानी डाल। देखो अगर आपको फिल्टर चाहिए ना तो ये बेस्ट फिल्टर हो सकता है। अगर आप पहाड़ों पर आ रहे हो तो ये देखो क्या मस्त फिल्टर है। देखो गंदगी ऊपर है, यहाँ पे देखिए पानी साफ नीचे आ रहा है। दिस इज बेस्ट, दिस इज डन बाय हर।
अस 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 ओके भाई इनको भी जोड़ लो यार, मान लिया इनकी भी। अरे मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें मैगी बन गई हमारी। सबकी मेहनत और सबर का फल है। ये लो सीधा कुकर। अभी खाना खाया ही था कि इतने में कुछ भाई लोग आए और पानी पूछने लगे। वहां पे डांस हो रहा था, भाई लोग आपस में डांस कर रहे थे। ऐसे में आपका भाई कहाँ पीछे रहने वाला। अभी स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रही है तो हमने डिसाइड किया ऊपर नहीं जाएंगे। सॉरी गाइस, यहाँ से व्यू खाली इतना ही देख पाएंगे क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा हो चुकी है। ये जो बर्फ ही बर्फ हो रही है चारों तरफ और ये पूरी सफेद सॉरी गाइस, चलो कैमरे की हालत भी खराब है, GoPro ने यहाँ पे धोखा दिया है। तो GoPro 9 आपका इतने ठंड में काम नहीं करता। पहले ये 9 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर रहा था और अब वो भी नहीं कर रहा है। और यहाँ से जो भी फुटेज आप देखोगे वो मोबाइल से शूट की गई। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि ठंडे इलाके में बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और वही हमारे मोबाइल के साथ भी हो रहा है। यहाँ से कहानी थोड़ा अलग ट्रैक पे शिफ्ट होने वाली। हो सकता है पागल बनती लगे आपको और ये इसलिए कि हम अपनी लाइफ सेफ मोड में जीना सीख गए हैं। ये सडन सिचुएशन हमारे सामने थी और हमको एक डिसीजन लेना था तो हमने डिसीजन लिया और आगे देखिए क्या हुआ। 5 बजे के लगभग हम नीचे चोपता पहुंच चुके थे। बातों बातों में पता चला कि लोग अपनी गाड़ियां यहीं पे छोड़ के नीचे मार्केट की तरफ चले गए। यहाँ पे हाई अलर्ट। अब हमारे सामने भी 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी गाड़ी हम भी औरों की तरह यहाँ पे छोड़ के नीचे सारी विलेज की तरफ चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि अपनी गाड़ी के साथ नीचे सारी विलेज की तरफ चले जाएं। और हमने दूसरा ऑप्शन चुना। यहाँ से हर चीज़ की प्रॉपर वीडियो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि बर्फ में चीज़ें हैंडल करना कितना टफ हो जाता है। अभी मैंने गाड़ी पकड़ी ही थी कि इतना समझ आ गया बर्फ़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं रहने वाला। इसी बीच गरिमा, नीसू और ख्याति आगे आगे पैदल चल रही थी। हम तीनों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट की और हल्के हल्के आगे की तरफ चल दिए। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि पूनम का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का। ऊपर से बर्फ़ पड़ी हुई है तो उसके लिए ही एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी। तो थोड़ी आगे चलने पे पूनम ने मुझसे बोला कि उससे प्रॉपर गाड़ी नहीं चल पा रही और तीनों मिलके इसी तरीके से गाड़ियाँ हल्के हल्के आगे चला रहे थे। गाड़ी इसलिए फिसल रही थी क्योंकि बर्फ़ में गाड़ी ग्रिप नहीं बना पाती है। तभी मुझे ध्यान आया कि टायर की हवा निकालते हैं। इसी बीच ये तीनों काफी आगे निकल चुकी थी और इनका फोन भी नहीं लग रहा था और यहाँ से हमें भी फिक्र होने लगी थी। चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैंने पूनम की गाड़ी पकड़ी और अकेले चले गया आगे की तरफ उन तीनों को देखने के लिए। लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद जाके मुझे वो लोग मिले। वो लोग एक ट्रैवलर में बैठे हुए थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा था और वो लोग डर गए थे। मैंने उनसे बात की और उन्हें बताया कि आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं इन लोगों को लेके आता हूँ। तभी वहाँ पे भरत और पूनम भी पहुँच गई एक गाड़ी को लेके। अब हमारी 2 गाड़ियाँ नीचे थी लेकिन एक गाड़ी अभी भी ऊपर थी तो उसको लेने के लिए दोबारा मैं और भरत ऊपर की साइड गए। इस बीच भरत ने भी सारी विलेज के ओनर को कॉल कर दिया था। नेटवर्क प्रॉपर नहीं थे तो थोड़ी सी बात हो पाई और उसके बाद कॉल कट गई। फिर लोग भी मिले रास्ते में। भाई यहाँ पे बुलेट कितनी दूर थी, बुलेट देखी आपने? भाई पीछे थी, राइट साइड पे। एक किलोमीटर होगा, एक 1.5-2 किलोमीटर होगी। अपन लोगों के पास क्या था? गाड़ी आ रही है हमारी, उसने बोला कि नीचे आ जाओ, हम चोपता से आ रहे हैं। कौन सी गाड़ी, टैकर है क्या? इको है।
नवाज देना कि मैं जिंदा बच पाया आज करके उस टाइप का। आगे वाली भी निकालते पहले, खाया भाई इसका हवा का। मैं धक्का मारूंगा गाड़ी के पीछे निकाल ली ना, तो पीछे करनी है। हाँ पीछे तो आप पकड़ो ना हैंडल में पीछे पीछे। इस गाड़ी की भी मैंने हवा निकाली और दोबारा इन चारों तक पहुंचे। अब हमारी गाड़ी और हम साथ साथ अभी भी हम पैदल चल रहे थे और जो सफर हमने आधे घंटे में तय किया था वो हमसे चार घंटे में भी पूरा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सुझाव है, बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन लोकल की बात ज़्यादा मत मानिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत हैं लेकिन कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए आपको गलत राय दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, बहुत ध्यान रखो। जब बर्फ खत्म होने ही वाली थी कि इसी बीच हमें कुछ होटल ओनर ने अप्रोच किया, बताया कि अभी बर्फ काफी नीचे तक है, बट डिसीजन हमने ले लिया था सो हमें आज के दिन सारी विलेज पहुंचना था। थोड़ा आगे चलने पे बर्फ कम हुई और उसके बाद मैंने, भरत ने और पूनम ने हिम्मत करके तीनों को बैठाया और हल्के हल्के गाड़ी चला रहे थे और देखते ही देखते सारी विलेज आ गया। एंड दिस वाज द मोमेंट गाइस, जब सबकी जान में जान आई। मानना पड़ेगा यहाँ पे लड़कियों की हिम्मत को। ठंड से हालत काफी खराब हो चुकी थी और मुझे नहीं पता कि हम गलत कहाँ पे थे। आज के दिन यहाँ से निकलना ही गलती थी, तुंगनाथ जाना गलती थी या वहां पे खाना बनाना गलती थी, साला जिंदगी में बर्फ इतना नहीं देखा था हमने, या किसी भी तरीके से ऊपर रुक जाते तो वो डिसीजन नहीं लिया ये गलती थी। हाय हाय, चलो फाइनली घर पहुंचे हैं तो बात करते हैं आपसे घर पहुंच के तसल्ली से। ट्रिप पे निकलोगे? ट्रिप पे रुके? ट्रिप लाइट खोल दो, लाइट का यहाँ की। हाय 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 हाय, हे बबका लाइट खींचते हैं, कहाँ थी लाइट, मैं तो भूल गया लाइट का बटन, ये लाइट। हाय हाय हाय, आई एम सो स्मार्ट, इतनी फटी में भी स्मार्ट हो रहे हम तो, बोरा गया रे मैं, पागल हो गया, आवाज़ रुक नहीं रही हमारी। चलो गाइस देखो भाई, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बोला भी नहीं जा रहा है, सब कुछ जम गया है, जूती की हालत ख़राब, मतलब मेरी हालत ख़राब। बस यार गाइस, अब इतनी मस्ती इस ब्लॉग में मिल सकती है, इसके आगे मैं मस्ती नहीं दे सकता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सफाई बना के रखो। वहाँ की बर्फ भी लगाया अपने साथ, ये भी देख लो, देखो हेलमेट भी लगी हुई थोड़ी सी, इतनी बर्फ फंसी बस, बाकी हमने सब रास्ते में ख़त्म कर दी।